हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर गोस्वामी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, सर मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, सर मेरी छाछ चिकित्सा चल रही है तो सर क्या मैं अंडा खा सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, बहुत सारे पेशेंट्स क्वेरी करते हैं कि सर आप नॉनवेज को हमेशा मना करते हो, सर क्या मैं अंडा तो ले सकता हूं। चलिए फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को लेके कि क्या छाछ सूत्रा चिकित्सा के दौरान आप अंडा खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपकी छाछ सूत्रा चिकित्सा चल रही है किसी भी तरह की, चाहे वो फिस्टुला हो, चाहे वो क्रोनिक फिशर हो या पीएनएस हो या किसी भी तरह का डिफेक्टेड साइनस हो, अगर आपकी छाछ सूत्रा चिकित्सा चल रही है तो छाछ सूत्रा चिकित्सा के दौरान आप बॉयल्ड एग, जो उबले हुए अंडे होते हैं, वो खा सकते हैं। अंडे करी, जैसे अंडा करी होती है, वो नहीं खा सकते। अंडे की भुजिया जो होती है वो नहीं खा सकते। केवल बॉयल्ड एग आप खा सकते हो। हाँ, अंडे की भुजिया खा सकते हो कब, या अंडे की आमलेट खा सकते हो कब, जब उसके अंदर बहुत ज्यादा मिर्च मसाला ना पड़ा हो। तो इसका मतलब आप अंडा किसी भी रूप का छाछ सूत्रा चिकित्सा के दौरान सेवन कर सकते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अंडा खाने से आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।